नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कोरोना संक्रमण के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। इसका सीधा असर एक बार फिर स्थिति सामान्य होने की उम्मीद लगाए बैठे मजदूरों पर देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो दूर दराज से अपने गाँव को छोड़कर दिल्ली कमाने आए हैं, लेकिन मौजूदा हालात में इनके लिए अब दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली के यमुना कादर इलाके की है। यहाँ नदी के किनारे कई भागों में झुग्गी झोपड़ी देखने को मिल जाएगी। हमारी टीम ने इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से बातचीत की और इनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का ये लोग किस तरह से पालन कर रहे हैं और इनके सामने अभी कैसी समस्याएं। यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि इस इलाके में लगभग 50 झोपड़ी में 500 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर का काम कर अपने परिवार को पाल रहे हैं। कोरोना के चलते हालात अब इनके लिए भुखमरी जैसी स्थिति बना रहे। कोई एक वक्त खाना तो कोई पानी के सहारे भूख शांत करने की कोशिश करता है। इनका कहना है कि इतने दिनों तक बैठने के बाद अब राशन भी नहीं है और सरकार की तरफ से भी कोई मदद यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शुरू के दिनों में 2-3 दिन खाना बनता गया, उसके बाद से इस इलाके में कोई भी मदद नहीं पहुंची। यहाँ ऐसे ही मजूरी कत्ता खुला, मजूरी सब बंद पड़ी है। घर वाले हमारे गांव में फंसे हुए हैं। बच्चा पता ना कैसे हम दिन काट रहे हैं, हमारे बच्चा कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। एक पैसा पास भी नहीं है हमारे घर वाले। लोग जाम से 2 ही दिन पहले गए, हमारे घर वाले वहीं फंसे गए। ऐसे ही अब जब 2-4 दिन 2-4 किलो राशन आएगी, बस कोई हमारे बखत थोड़ी कट रहा हुआ। 12-13 जने हम खाना आ रहे हैं और सब ऐसे ही पड़े हैं। ऐसे बहुत भारी दिक्कत हो रही है। काउ से ले लेते हैं, काउ से थोड़ा तो तब आज जाए से बखत में कोई कज्जा ना दे रहा हुआ। कत मजबूर बने बैठे हैं, यहाँ पर कोई धंधा पानी बंद है सब। अब क्या करें, जैसे भगवान रखा कि तैसे जाता है। किसी के नहरे करता है तो कौन दे दे, तो कोई ना दे तो जा कहा तो बताओ। जब महंगाई में हमारी घर पैसा अटकाना आ जाए, हाँ लेकिन नहीं कहीं ना जा सकता, कहूँ ना जाता। हाँ कभी ना देखी हमने। हम जाए कहना चाह रहे हैं कि हमको ताई थोड़ी व्यवस्था हुई जाए खाने पीने, जो ही हम भूखे वाली बच्चा भटक रहे हैं सब। सरकार की तरफ से हम जाए चाह रहे हैं, जब लोग जमा करो तो हमको कुछ खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ जाए कहना चाह रहे हैं कि हमको ताई कुछ देखें आगे, हमें खाना पीने को कुछ इंतजाम करें सरकार से। कोई नहीं आ रहा हो देखना कहीं। हाँ कम से कम हमारी यहीं पर हैं 40 और उसे हैं 50-60 झुग्गी सब आके 2-4 खेत में। कहूँ झोपड़ी में रहते हैं हम लोग, दिहाड़ी करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं। अब काम नहीं है तो घर में रहते क्या करेंगे। लेकिन जो बीमारी चली उसके वजह से कितना समस्या हो रहा है। उसकी वजह से तो बहुत समस्या हो रही है। कुछ खाने को मिल नहीं रही है बच्चे को। कभी चाय मिल रहे तो कभी नहीं मिल रहे, कभी काली चाय बना के पी लेते हैं, कभी दूध नहीं मिलते, कभी रोटी मिल। पैसे क्या है, एक थोड़ा बहुत पैसे रहते वो बैठ के खा लिए, अब क्या खाएंगे। अब काम नहीं है तो अपना बैठे रहते हैं। गरीबों को क्या दे रहे, कभी वो खिचड़ी ले आते हैं तो बच्चे ले खाते ही नहीं है। वो बिहार का बच्चे ऐसे थोड़ी है जो खा लेंगे, दिल्ली में रह रही है बच्चे, दिल्ली वाले थोड़ी खिचड़ी जल्दी खाते हैं। खिचड़ी आ जाते, कभी कढ़ी चावल आ जाते, कभी ऐसे फेंक देते। नहीं नहीं रोज नहीं, पहले दफे जब खुले थे जब ही आया था, दोबारा नहीं आया। 2-3 दिन आया था, जब से नहीं आया। अभी करीब 17-18 दिन और बंदी रहेगा, कैसे रहेंगे वो? ऐसी जैसे एक दिन खा लेते तो एक दिन नहीं खाते, ऐसे खा रहेंगे बच्चे और कैसे रहेंगे। बच्चे को भूख लगते है तो जो उधार पे उधार उधार जिसके पास काम करते हैं उनसे उधार मांग लेते तो दे देते हैं, नहीं तो मना कर दिए। अब तो मना भी कर दिए। अब वो दे ही नहीं रहे, कह रहे हम कहाँ से देंगे, हमारा खुद बंद है सरकार की तरफ से, हम कहाँ से देंगे काम में पैसा। सरकार से ये बोलो कि हमारी 7 नंबर एनिवल में कुछ राशन पानी भेज दे, सब्जी साग भेज दे। हमारी खेतों में कुछ हो ही नहीं रही है, हमारा खेत भी नहीं है। करीब 50-60 के लगभग झुग्गी हैं भाई। मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, नराई फराई करते हैं, तो इससे और बाद बाकी रिक्शा ठेली चलाने चले जाते हैं। कोई रिक्शा चलाता है,
भाई हमने इतने बड़े हो गए अभी तक तो कोई बात किसी तरीके की ऐसी नहीं सुनी कि लॉकडाउन होता क्या है। अजा मलेरिया, डेंगू, मच्छर, ये मक्खी काटना, ये तो सुना था। चुटिया वाले सुने थे कि चुटिया कट रही हैं लोगों की, और ये भी सुना था कि वो मुँह नोचा आ गया तो वो चुंबक के जरिए से बताया खींच लिया गया। लेकिन ये जो बीमारी है इसको लेकर सरकार ने भी कई अपील की कि जैसे मुंह ढके, बाहर ना निकले, तो क्या आप लोगों के क्षेत्र में जो झुग्गी झोपड़ी वाले नियमों का पालन कर रहे? भाई पूरे ही पालन कर रहे हैं, ऊपर लोग तक नहीं जाने दे रहे हैं, अपनी अपनी झुग्गियों में ही रह रहे हैं। अब रही बात जो राशन पानी, लोग दो दिन का, चार दिन का, दस दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा ला सकता है झुग्गी झोपड़ी वाला, ला के खा सकता है। इस टाइम छोटे बच्चे हैं, नहाने के लिए साबुन भी नहीं है। अब मान लिया जाए एक साबुन परिवार में, छोटे आदमी में एक ही साबुन रखा जाता है साबुनदानी में, अब वो 10 दिन में तो ख़त्म हो ही जाता है कम से कम। अब यहाँ पे उसके बाद में, ख़त्म होने के बाद में कुछ भी नहीं है। क्या लगता है सरकार से चाहिए? भाई सरकार से क्या कोई, आप भाई जैसे आते हैं पूछ के चले जाते हैं कि हम करेंगे साधन। वही 2-3 दिन खाना आया था बना हुआ, उसके बाद में एक फिर 5-5 किलो आटा दे दिया गया लोगों को। भाई मजबूरी है, कोई चटनी, कोई खेतों में से धनिया हरा तोड़ लाता है उसका सिलोटे में पीस के, कोई चटनी से ही खा रहा है तो कोई प्याज से ही खा रहा है। ये हालत बना रखी है भाई, पेट तो पालना है, जिंदा तो रहना ही है किसी कार। भाई जो भी कुछ के राशन आएगा कि आधार कार्ड दो, कभी पहचान पत्र दो, कभी नाम लिखवाओ, तो यही फिल्म चली आ रही है। यहाँ लोग रास्ता देखते रहते हैं कि कब आई गाड़ी, कब आए गाड़ी, मगर ऐसा तो कुछ नहीं है। भाई करीब हो गए, मेरे अंदाज से करीब 20 दिन हो गए, वो 5-5 किलो आटा और वो मिला था चावल, 3-3 किलो, 5-5 किलो लोगों को, फिर कुछ नहीं है। खाना इस टाइम कुछ नहीं आ रहा है, वही 3 दिन बटा था, 4 दिन बस, 4 दिन मान लो मेरे हिसाब से। तो मोदी सरकार ने जो दिए वगैरह जलवाए थे भाई, दिए भी जलवा दिए, वो भी जलाए, थालियां पिटवा दी, वो भी पीटी, मोमबत्तियों से खड़ा करा, वो भी लोग खड़े हुए। भैया सब कर रहे हैं जैसा भी, हाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है इस टाइम तो। भाई लोग टट्टी पेशाब को निकल रहे हैं, जंगल का एरिया है भाई, उन लोगों को मारती है पुलिस, समझ रहे हो? ये भी मान लो शौचालय तो बने हुए हैं नहीं, तो निकल भाई निकलने का डर। भाई यही है कि अब झेल रहे हैं जैसे भी। भैया ये अगर सुविधा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका मामला भाई 18-20 दिन तो कट ही जाए, जब ये बताए और के 19 दिन और हैं, 21 दिन गुजर चुके, तो 40 दिन हो गए कुल मिला के। भाई वो तो अब देख रहे हैं कि सरकार क्या सहायता करती है लोग। भाई सरकार जैसा कह रही है उसका पालन कर रहे हैं भाई। मजबूरी है लोगों की, डर समझ लो या मजबूरी समझ लो, भाई शेर की तरह मैं तुम पे हावी हूँ। अगर शेर के सामने अगर बिल्ली जाए तो भाई बिल्ली को तो पूरा खतरा है, इस वजह से दहशत सवार है लोगों को। अच्छा यार एक बात समझ में नहीं आ रही भाई हमारे, कि जे दिल्ली इतनी बड़ी है, हमारा लक्ष्मी नगर एरिया है, सकरपुर एरिया है, और भी एरिए हैं, जो कोरोना वाले दिल्ली में तो कोरोना मुझे दिखाई नहीं देता, ना ही तो अड़ती है। भाई पेशेंट तो हैं मगर कुछ जो समझ नहीं आ रही, पेशेंट अस्पतालों में ही पड़े हैं या कुछ लोग मरे भी हैं इनमें, तो जैसे अड़ती इनकी जैसे शमशान में जलाई जाती है या कब्रिस्तानों में मुसलमान होता है उसके लिए। सर यही खाने पीने की समस्या है और बीमारी समस्या है, किसी को बुखार है कुछ भी है, और खाने पीने की समस्या है, राशन पानी की, हर एक चीज़ की समस्या है समझ लो, तो क्या करें मजदूर आदमी, क्या ना करे, ये है। तो
पैसा आएगा जब काम ही नहीं करेंगे हम मजदूर आदमी, तो पैसा आएगा कहाँ से हमारे पास? ये बहुत बुरी हालात है सर। खाने पीने कुछ नहीं, कह रहे हैं हम 11 सदस्य हैं सर, लड़की से लेके लड़का से लेके पुतबहू से लेके 11 सदस्य हैं। हाँ, एक लड़का हमारा पढ़ना जाता है। अभी तो सब बंद है, अभी स्कूल ही बंद हैं, सारी सौदा ही बंद हैं सभी लोग। तो कितना दिक्कत होगा अभी, अभी इतना दिन खाना होना कैसे होगा? अब कैसे बताएं, जैसे समान लें कहीं बांटने के लिए आ जाता है वो खा लेते हैं, और थोड़ा बहुत है वो भी खा लेते हैं। और बिल डेली नहीं आता है, कभी कभार मतलब आ जाता है। कल आया इतने घंटा में आया, वो भी समझ लें कि आज कुछ भी नहीं है। तो अगर बात करें तो क्या एक ही टाइम इसमें जो आप लोगों के पास एक ही टाइम बना पा रहे हैं? और क्या, एक ही टाइम समझ लें कि दो रोटी तीन रोटी हमें भूखे तो डेढ़ रोटी खा ली, एक भाई तू खा ले, ऐसे ऐसे करके पेट गुजारा कर रहे हैं समझ लें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील हमारी है कि जो है गरीब आदमी की मजदूर लोगों की कुछ ना कुछ सुनवाई करे, यहाँ कार्रवाई करके देखें कि ये मजदूर आदमी हमारे कैसे पड़े हैं, कौन सी हालत में हैं, क्या गंभीरता है इनके लिए, ये देखें आप। सरकार तो कह रही है कि मजदूरों की लगातार मदद की जा रही है, खाना बांटा जा रहा है। नहीं, खाना बांटा जा रहा है नहीं, कुछ कहते हैं कि लोग कि 5,000 रुपये आए खाते में, कि हमारा तो यहीं के पहले आग लगी थी झुग्गियों में, तो सब लोगों का ही खाता है कि नोएडा में अट्टा मार्केट बैंक है हमारे सब लोगों की शिवालिंग बैंक, अब देखा तो उसमें किसी का भी 5,000 रुपये नहीं आया है। अब क्या पता सर, उम्मीद है या नहीं है, हम तो जब जाने उम्मीद जब हमारे खाते में आ जाए और समझ लें कि हमारी फ़ोन पे मैसेज आ जाए। कोरोना वायरस के चलते जो देश में लॉकडाउन लगा है उसकी अवधि अब 3 मई तक बढ़ा दी गई है। इस लॉकडाउन ने हर तबके के लोग को प्रभावित किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई है तो वो वर्ग है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। इस समय हम दिल्ली के यमुना खादर इलाके में हैं, ये 7 नंबर रेनीवेल का इलाका है। इस इलाके में करीब 60 से 70 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार, कई इलाकों के यहाँ पे जो मजदूर हैं वो रहते हैं, मजदूर के परिवार रहते हैं इस झोपड़ियों में, उनके बच्चे रहते हैं। लेकिन इनके सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या हो गई है खाने की, क्योंकि इनका कहना है ये कि जो काम पूरे तरीके से ठप है, और सरकार की तरफ से भी जो दावे किए जा रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में खाना बांटा जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि जो लॉकडाउन का पहला दिन का जो 21 दिनों का पहला लॉकडाउन का चरण था, उस समय में बस 2-3 दिन खाना आया, उसके बाद से कोई नहीं कुछ खाना या कुछ ऐसी राहत सामग्री इस क्षेत्र में नहीं बटी है। आप देख सकते हैं कि लोग अपने झुग्गी झोपड़ियों के बीच में खाट डाल के उस पर बैठे हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कि ये बीमारी क्या है इसके बारे में तो इनको ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो सरकार कह रही है, चाहे चेहरे को ढक के रखने की बात हो, बाहर ना निकलने की बातें हो, इनका ये कहना है कि सरकार ने सड़कों पे निकलने मना किया है, इसलिए हम लोग जो भीड़ सड़कों पे निकली थी उस दौरान भी हम लोग गाँव जाने के लिए पैदल नहीं निकले। लेकिन जो सुविधा पहुँचनी चाहिए, जो राहत की सामान पहुंचने चाहिए, चाहे राशन हो चाहे खाना हो, वो इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर अभी 17-18 दिन और काटना है, अगर उसके बाद स्थिति नहीं सामान्य हुई तो लॉकडाउन अगर और बढ़ता है, तो इनका कुल मिला जुला के ये कहना है कि इस समय सबसे बड़ी समस्या भूखमरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो 3 टाइम खाना खाना चाहिए वो किसी तरीके से 1 टाइम खाना खा रहे हैं, पानी पी के पेट भर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इस समय इस क्षेत्र में ये सामने आई है, और इन लोगों ने सरकार से भी ये अपील की है कि हम आपके बताए सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, सड़कों पर भी नहीं निकल रहे हैं, लेकिन कृपया ध्यान दें और इस क्षेत्र में चाहे राशन हो चाहे खाना हो वो समय से बच सके, ताकि जो छोटे बच्चे हैं कम से कम वो अब ज़िंदगी को और अपनी सांस को सही तरीके से ले सकें।